आज मैं आपको पांच ऐसे रोड मैप्स बताने वाला हूं, पांच ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो अगर आप सीयूईटी के प्रिपरेशन में लगाते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्कोर आने वाला है, इस बात की गारंटी है। इन स्टेप्स को, इन रोड मैप को पिछले साल भी जो बच्चों ने फॉलो किया था 2022 में, उन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर करा है। तो अगर आपको भी इस साल अच्छा स्कोर करना है तो आपको इन रोड मैप्स को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, पांचों प्रोसेस को ध्यान से समझिए एंड आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर ला पाएंगे सीयूटी एग्जाम में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब की वजह से, आपकी एक सब्सक्रिप्शन की वजह से हमारी कम्युनिटी ज्यादा बड़ी होती है, तो ज्यादा बच्चों तक हमारी ये वीडियो पहुंच पाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। चलिए, सबसे पहला रोड मैप आपको जो समझना जरूरी है वो ये है, नंबर वन, कि आप जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आज के टाइम पे, कि आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, आपको ऐसी अननेसेसरी टॉपिक्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा जो आपके एग्जाम्स में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, समझ रहे हो। अभी आपके एग्जाम में केवल एक महीना बाकी है, वो भी मुश्किल से, और इस एक महीने के अंदर अगर आप स्टार्टिंग से सब सारे टॉपिक्स, जितने भी सब्जेक्ट है उसमें अगर आप सेम अमाउंट ऑफ, मतलब सेम पर्टिकुलर टाइम लगाते चले गए, जितना टाइम आप किसी अदर टॉपिक पे लगा रहे हो, सारे टॉपिक्स को अगर आपने सेम टाइम देना चालू कर दिया एंड सबको आप उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तब आपका एग्जाम नहीं निकल पाएगा। क्योंकि हर एक बच्चे के अंदर ये पर्टिकुलर चीज होती है कि उसके लिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कम इंपॉर्टेंट है, कोई टॉपिक्स ऐसे है जो उसे ऑलरेडी पता है, या कुछ टॉपिक ऐसे है जो अननेसेसरी है, जिसको पढ़ने की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो वैसे टॉपिक्स एंड वैसे बुक्स या चैप्टर्स को आपको हटाना पड़ेगा अपने फिलहाल प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि समय बहुत कम बाकी है, समझ रहे हो। बहुत बारी बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती से कुछ ऐसे सब्जेक्ट या डोमेन या लैंग्वेज फिल कर देते हैं जो उन्हें जरूरत नहीं होती है, तो उसको मत देखो, समझ रहे हो, उसको हटा दो, समझ रहे हो। अगर जैसे कोई बच्चे अगर एक लैंग्वेज, तीन डोमेन और जनरल टास्क भी ले रखा है और उसे डीयू में कोई ऑनर्स कोर्स करना है जिसमें एक लैंग्वेज और तीन डोमेन में भी एडमिशन हो सकता है, तो जनरल टास्क छोड़ दो, उस केस में मत पढ़ो, टाइम वेस्ट करोगे फिर तुम जनरल टेस्ट पढ़ के, समझ रहे हो। तो आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा ऐसी टॉपिक्स को जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, ओके। इसी के साथ नंबर टू, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोड मैप है जो अभी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो एंड इस आखिरी के एक महीने में बस आपको अपना एग्जाम निकालना है एनी हाउ, तो देर मत करो। हमारी क्रैश कोर्स अभी भी लाइव है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करा है ढंग से, जिनकी तैयारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, जो अभी एग्जाम देने लायक नहीं है, तो हम आपको एग्जाम देने लायक बनाएंगे। हमारी कोर्स इस तरीके से बनाई गई है कि आखिरी के 25 से 30 दिन के अंदर आप पढ़ाई करके सीयूईटी एग्जाम निकाल सकते हो। तो अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर पे आपको बस कांटेक्ट करना है एंड इस पे व्हाट्सएप मैसेज करते ही हम अपने पूरे कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे एंड आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करके उसी दिन से तैयारी शुरू कर पाओगे। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम के एक महीने पहले भी कोर्स को ज्वाइन करके एग्जाम निकाला है, ये लास्ट ईयर का रिजल्ट है, तो इस साल भी आप भी निकाल सकते हो। अभी भी आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी, वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटरशिप, गाइडेंस, सब कुछ। और ये मत समझना कि अगर तुम लेट हो तो तुम्हारा पढ़ाई छूट जाएगा, तुम्हारा कोई टॉपिक छूट जाएगा, नहीं कवर होगा, तुम्हें सारी चीजें स्टार्टिंग से जीरो लेवल से प्रोवाइड की जाएगी, तो तुम डेफिनेटली एग्जाम इस साल भी निकाल सकते हो। तो देर मत करो, हमने फीस ऑलरेडी बहुत कम कर दी है। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको पूरी कोर्स चाहिए तो आप पूरी कोर्स सीयूईटी की ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको आईबी मैट की तैयारी करनी है, आईआईएम्स में जाना है, तो उसकी भी कोर्स अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग। आप व्हाट्सएप कर देना, आपको पूरे कोर्स में इनरोल कर लिया जाएगा, ओके? चलो, नेक्स्ट जो सेकंड नंबर रोड मैप है भैया, ये कहता है कि आपको अपने स्ट्रेंथ के साथ साथ अपने वीकनेस पे भी काम करना पड़ेगा, या फिर अपने वीकनेस के साथ साथ अपने स्ट्रेंथ पर भी, वाइस वर्सा वाला सिचुएशन है यहां पे। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मतलब बहुत सारा पोर्शन वीक होता है, तो वो अपना वीक में ही टाइम लगा देते हैं एग्जाम के पहले, मतलब वही टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं जो उनके लिए मतलब बहुत ज्यादा वीक है, वो अपने स्ट्रांग टॉपिक्स को, स्ट्रांग पॉइंट को ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से एग्जाम टाइम पे उनको पीछे की चीजें जो वो ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जिसके लिए वो कॉन्फिडेंट थे, वो भूलना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए आपको अपने स्ट्रेंथ पर भी काम करना है एज वेल एज वीकनेस, समझ रहे हो। आपको जो कमजोर सब्जेक्ट है, जो ज्यादा अच्छा नहीं है, उस पर तो काम करना ही है, लेकिन साथ ही साथ जो सब्जेक्ट अच्छा है उसको भी पॉलिश करते चले जाना है, समझ रहे हो। चलो, वेरी नाइस। थर्ड नंबर जो बहुत बड़ी ब्रह्मास्त्र है कि अभी आपके पास समय इतना कम है कि अब आपको नोट्स बनाने की नहीं सोचनी चाहिए, और नोट्स अगर आपको बनाना है तो केवल शॉर्ट नोट्स। अगर आप लॉन्ग नोट्स बनाने जाते हो जो कि दो दो तीन तीन पैराग्राफ का होगा और इतनी बड़ी बड़ी होगी, तो मत बनाओ। समय इतना कम है कि नोट्स बनाते बनाते तुम्हारा समय निकल जाएगा एंड उसके बाद उन नोट्स को पढ़ने तक का तुम्हें समय नहीं मिलेगा। इसीलिए कोशिश करो कि वन लाइनर नोट्स बनाओ, अगर नोट्स की जरूरत पड़ती भी है तो अपने एनसीईआरटी किताब पे या कहीं पर भी पेंसिल से लिख दिया करो साइड में कुछ कुछ की पॉइंट्स, ताकि तुम्हें बाद में
याद आ जाए। अभी तुम्हारे पास उतना वक्त नहीं है जहां पर तुम स्टार्टिंग से रिविजन के टाइम पर सब कुछ पढ़ पाओगे। अगर तुम लंबे नोट्स बनाओगे तो जब रिवाइज करने जाओगे तो उस समय तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा कि तुम शुरू से सारे टॉपिक्स पढ़ पाओ। इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट तुम्हें बहुत ज्यादा काम देगी। ओके, फोर्थ नंबर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और ये काफी ऑब्वियस है, जो मैं काफी समय से बोलते आया हूं, कि जितना ज्यादा एमसीक्यू हो सकता है, स्पेशली टॉपिक वाइज टेस्ट, मैं मॉक टेस्ट की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं टॉपिक वाइज टेस्ट की बात कर रहा हूं, जितना ज्यादा टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, मतलब एक पर्टिकुलर चैप्टर से जितना क्वेश्चन बन सकता था सबका आपने मॉक टेस्ट लगाया, सबका आपने टॉपिक वाइज टेस्ट लगाया। अब ये टॉपिक वाइज टेस्ट आपको कहां मिलेगी, तो हमारे कोर्स में आपको हर एक चैप्टर का, हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा एंड साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी मिलेगा। टॉपिक वाइज टेस्ट अलग चीज होती है, मॉक टेस्ट अलग चीज होती है। हमारे कोर्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, उसके बाद अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपकी जनरल टेस्ट हो गई, लैंग्वेज हो गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट एक्स वाई जेड आप देख रहे हो सबका आपको टॉपिक वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितने टॉपिक्स है, जितने पर्टिकुलर चैप्टर है, उन सारे चैप्टर के आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने हैं ताकि उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे आपने पहले सॉल्व कर लिया। और जब आप ये सारे टॉपिक्स सॉल्व कर लो, सारे टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो, उसके बाद पांचवा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आखिरी, आपको मॉक टेस्ट लगाना है सारे टॉपिक वाइज टेस्ट कवर करके। और दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा और वो भी घड़ी का टाइमर लगा करके। ये बोर्ड एग्जाम का मॉक टेस्ट नहीं है जहां पे 3 घंटे आपको बैठना है, केवल 60 मिनट का आपको मॉक टेस्ट देना है। एंड मॉक टेस्ट उस तरीके से बिल्कुल होना चाहिए जैसा आपके एग्जाम में आएगा, आपको वैसा मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। चलो किताब मार्केट से ले आओ, मॉक टेस्ट बुक वगैरह बढ़िया होता है जहां पर आप मार्केट से बुक ला करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर से बुक आती है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा इंटरफेस मिल रहा है, अगर आपको एक ऐसा कोर्स मिल रहा है जहां पर हूबहू उसी तरीके से मॉक टेस्ट दे रखी है जैसा आपका एग्जाम में आएगा, उसी तरीके से आपको स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा है, तो वो वाला मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। या तो वो चीज आप फ्री में भी ऑनलाइन इंटरनेट पर अगर आप सर्च करोगे सीयूटी मॉक टेस्ट, आपके सामने काफी सारे सर्वर खुल जाएंगे जहां मिल जाएंगे, नहीं तो हमारे कोर्स में आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट दिया जाएगा जो 2023 के लेटेस्ट पैटर्न पे बनाया गया है। इंटरनेट पे आपको मॉक टेस्ट मिलेगी लेकिन वो 2023 के लिए अपडेटेड नहीं है, वो 2022 वाली है। लेकिन अगर आपको 2023 के लिए चाहिए तो वो हमारे कोर्स में है जो कि आपको हम प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको चाहिए होगा तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर लेना। तो ये 5 ऐसे रोड मैप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे जिससे आप सबसे फास्टेस्ट वे में सीयूईटी एग्जाम कवर कर सकते हो एंड सीयूईटी एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प की होगी और करेगी। इन स्टेप्स को फॉलो करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय।